रायबरेली में आपके पीछे में देख पा रही हूँ, अच्छी खासी संख्या में हमें मुस्लिम समुदाय की महिलाएं मिल रही हैं। उनसे बात कीजिए, जानिए मुद्दे क्या हैं उनके आज के दिन। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं काफी संख्या में, और जो मतदान केंद्र का बूथ है वहाँ भी लाइन पर लगी हैं। क्या लगता है मैडम, क्या मुद्दा है आज रायबरेली का? अरे रायबरेली का तो वोट तो सभी दे रहे हैं, लेकिन जो है जहाँ तक है जी, जितने लोग हैं सभी को देना चाहिए वोट, में कमी नहीं आना चाहिए रायबरेली के विकास के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी तो ये है कि जो पानी सब चीज़ की परेशानी है, खास करके महंगाई के लिए, महंगाई की इतनी ज़्यादा वो हो गई है, और पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोग को रोजगार जॉब नहीं मिल रही है, इसी वजह से लोग जो है परेशान होकर के दूसरे काम करने लग जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है दीदी? अरे हमें तो यही लगता है कि जब देखो 300 का सिलेंडर था, अब 900 का बिक रहा, तो क्या होएगा बताइए। कैसी सरकार चाहती है जो महिलाओं के लिए काम करे? अरे जो हम लोगों के लिए अच्छी हो साबित, बस यही तरह की चाहते हैं कि। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि मतलब विकास के लिए होना चाहिए, विकास है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं रायबरेली में जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, सबके मन में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपके पास आऊंगी अजीत, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।